नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि आपका मैरिज टूटा हुआ है और नए पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, किसी तरीके का नेगेटिव साइन तो नहीं है या फ्रॉड तो नहीं है? तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस तरह की रेखा, जो पूरा का पूरा राहु रेखा हो, जो जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा को काट के जाए, मंगल से शुरू हो रहा हो, तो उस कंडीशन में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत मजबूत होते हैं, पार्टनर जाते हैं। फिर इसके बाद कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन या लाइन नहीं है और एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया है कि सपोर्टिव लाइन आपकी बहुत एक्टिव हो गई है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये है रेखा सहयोगी को दर्शाती है कि जीवन में एक शक्ति ऐसी रहेगी, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, जो आपको जीवन भर सहयोग करने वाली रहेगी। आपकी मुसीबत, कष्ट, परेशानी में आपको कहीं ना कहीं से बल मिलेगा इस रेखा के कारण जीवन भर। तो आपके जीवन में जो नए पार्टनर आए हैं वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन साफ साफ दर्शा रही है कि उनका कहीं ना कहीं मानसिकता आपको लेकर के जीवन भर का है, साथ निभाने का जीवन भर का है। यही एकमात्र कारण भी है कि 36 के उम्र में करेक्ट आपकी बहुत एक सक्सेसफुल लाइन निकली हुई है और फिर 37 में भी निकली हुई है और 38 में भी हल्की सी रेखा दिखाई दे रही है। इन सभी तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और ये रेखाएँ बहुत असीम सफलता देती है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, वैसी सफलता अनएक्सपेक्टेड। यानी आपको जो प्रश्न था कि सक्सेस किसी भी काम में नहीं मिल रहा है, ये 36 के बाद में आपको ये सवाल आएगा ही नहीं। आपका भाग्य बहुत अच्छा जा रहा है और साल भर के भीतर आपके जीवन में बहुत अच्छा एक ऐसा योग बनने वाला है जिसमें आपकी सभी इच्छा पूर्ति होने वाली है, जीवन पूर्ण रूप से सुधार होने वाला है और मनोकामना आपकी, डिज़ायर, एम्बिशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। और ये शुभ समय आपके जीवन में 36 से लेकर के लगातार रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद में एक रेखा 38-29 के आसपास में बाहर की तरफ गई है, जो विदेश यात्रा या जन्म स्थान से दूर जाने के योग को दर्शा रही है। और फिर उसके बाद आपके जीवन में यात्राएं लगे रहना, जीवन में शुभ कर्म होते रहना, सुख, आनंद, खुशियां बढ़ जाना, ये सब कुछ योग आपके जीवन में अब है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका भाग्य और आपके पार्टनर का सपोर्ट और आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन पूरी जुपिटर की तरफ ही आकर के एंड हुई है, तो आप ऑनेस्टी लॉयल्टी निभाते हैं अपने रिलेशंस में। कोई भी ऐसी रेखा नहीं है अब आपके हृदय रेखा में कि जो दर्शा दे कि आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड हो जाएगा। आपकी यूनियन लाइन जो सेकंड वन भी है, जो रिलेशन को इंडिकेट करती है, वो भी बहुत स्ट्रांगली वे में रन हो रही है, जिसके कारण अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहने वाली है। सूर्य की जो रेखा जो सफलता को दर्शाती है, वो रेखा भी आपकी तकरीबन 36 की उम्र से ही मजबूत स्थिति में आ रही, थोड़ी फेल करके चलने के कारण मेहनत ज़्यादा रहेगी लेकिन परिणाम बहुत सुखद मिलेगा। इस तरीके का स्क्वायर का साइन अपनी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, 38 के उम्र के आसपास में एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बिल्ड होना, अपनी प्रॉपर्टी या बहुत आलिशान घर का सुख, राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन यानी लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस, अचानक से ऐसा कारनामा, ऐसा काम हो जाना जिससे उम्मीद ना हो, और चंद्र के क्षेत्र पर इस तरीके का जो लूप बनता है, ये मनोवांछित फल देता है, मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। लेकिन इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं, ये नकारात्मक सोच देती है, डर, भय, चिंता, बेफिजूल का जीवन में। वहाँ पर इस तरह के क्रॉस के या नेगेटिव साइन चिंता देते हैं, बेफिजूल का चिंतन मनन होता है, नकारात्मक सोच होता है, और वो सब कुछ होता इसलिए है क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर कभी उम्मीदें नहीं थी नकारात्मक होने के लिए, इसलिए हर एक एक चीज़ में फूक फूक के कदम रखने की आदत ये देता है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी भाग्य रेखा भी टूट के अभी तक चल रही थी, क्योंकि ये रेखा देख सकते हैं इस तरीके से परिवर्तित होती आई है, जिसके कारण काम तो कोई भी शुरू हो गया लेकिन पूरा नहीं हो पाया, संतुष्टि नहीं मिल पाया। लेकिन अब ये है कि अब आपकी जो इंडिपेंडेंट लक लाइन है वो एंड हो रही है और सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रांग जा रही है, तो आपका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास किसी भी तरह से बेकार जाने वाला नहीं है और इतने पॉजिटिव साइन आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन और सक्सेस देने वाले हैं। मस्तिष्क रेखा के ऊपर में भी अगर हम तनाव की स्थिति देखें तो यहाँ पर शुरुआती जीवन से या फिर कह लें खासकर 26-29 के उम्र में ज़्यादा आपके जीवन में तनाव था, 31-32 तक था, उसके बाद स्थिति ठीक हो रही है और अब कोई भी तनाव की स्थिति भी आपके मस्तिष्क रेखा में नहीं आ रही है। आपका व्यापार की रेखा यानी आप जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, वो रेखा भी अब बहुत मजबूत स्थिति में जा रही है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आपका काम बहुत फैलने वाला है और ये सब कुछ एक साल के भीतर में होने वाला रहेगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पूरा जीवन शैली अच्छा जा रहा है। चंद्र दूषित है तो जितना हो सके अच्छा सोचना, बोलना, देखना, अच्छे माहौल में रहना, थोड़ा बहुत ध्यान करना या फिर अपने आध्यात्मिक, धार्मिक
जो भी आपके ग्रंथ किताबें हैं उन सबको निरंतर रूप से अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, यानी अपने आप को किसी भी तरह से व्यस्त रखना लेकिन सकारात्मक रूप से, आपके चंद्र की स्थिति को अच्छा कर देगा और फिर आपको इस तरीके के डर, भय, चिंता जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर इन्हीं क्रॉस में एक त्रिकोण का साइन भी डेवलप हो रहा है, ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है अगर ये साइन बहुत मजबूत हो गया तो। और कोई भी आपको कष्ट, जैसे ये मंगल से आने वाली रेखाएं शारीरिक पारिवारिक कष्ट देती है, ऐसी कोई भी फिर रेखा नहीं आ रही है क्योंकि ये सहयोगी रेखा बहुत ज़्यादा बलवान है। तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब भी तिल का चिन्ह भी हम गुरु या शनि के क्षेत्र पर देखते हैं, एक ना एक बार तो बहुत नेगेटिव इंसिडेंट लाइफ में होता है, जुपिटर पर होने के कारण घर परिवार या अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, और शनि पर होने के कारण करियर को लेकर के। लेकिन इन दोनों के नेगेटिव इम्पैक्ट जा चुके हैं, अब कोई भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। सीधी खड़ी रेखा आपको मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी, सबसे घुलने मिलने की आदत बढ़ाएगी, आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। यव का चिन्ह आपको इंट्यूशन सिक्स सेंस बहुत अच्छा डेवलप करने वाला है। हर तौर तरीके से स्थिति अच्छी है, बस चंद्र को हमें और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के नकारात्मक ख्याल, चिंताएँ, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सके। और फिर आपके एक प्रयत्न प्रयास में अधिकतर काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब लेफ्ट हैंड में भी हम देख लें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस समय पर 36 की उम्र में ही आपकी सकारात्मक रेखाएं निकली हुई है। मस्तिष्क जगह थोड़ी डिक्लाइन है जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर जाते, तो अपने आप को कभी भी ज़्यादा अकेला ना रखें। हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के अतिरिक्त रहना, इर्द गिर्द रहना, अपने काम में लिप्त रहना, इन सब पर ध्यान दें ताकि ये जो मस्तिष्क रेखा ये मजबूत हो जाए, ताकि आप हमेशा विपरीत परिस्थिति लोगों का सामना डट करके कर सकें। हृदय रेखा यहाँ पर भी आपकी मजबूत स्थिति में जा रही है, पूरे गुरु पे गई है, कभी भी अपने आप को खाली ना रखें, क्योंकि गुरु पर हृदय रेखा जाने का मतलब ये होता है कि ऐसे जातक वर्कोहोलिक होते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखें, किसी काम में इंगेज रखें, उतना अच्छा इमोशन स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर आपके फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जो आपको बड़ा सम्मान, नाम, कीर्ति, जीवन में सफलता देने में सक्षम बनाएगा। तो आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन होने जा रहा है, बिल्कुल आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी आपको नहीं आने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।